आज महाराष्ट्र विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण में एनसीपी नेता अजीत पवार और सुप्रिया सुले भी विधानसभा पहुंचे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नजारा वो था जब कल तक एनसीपी के बागी अजीत पवार और भाई के धोखे पर आंसू बहाने वाली बहन सुप्रिया सुले मुस्कुराते हुए गले मिले। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भी कहा कि हम खुश हैं कि अजीत पवार वापस आ गए हैं, वो एनसीपी का हिस्सा हैं, आगे जाकर हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विधानसभा में शपथ ग्रहण के साथ साथ ये कैमरों के सामने परिवार और पार्टी का रियूनियन भी था। बेहद खुश नजर आ रही सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे व हमारी सरकार के कंधों पर अब नई जिम्मेवारी आ गई है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने मंगलवार की शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुना। उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क में 28 नवंबर को शाम 6:40 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मातोश्री से पहला मुख्यमंत्री बनने पर शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हुआ। ठाकरे परिवार अब तक खुद को चुनावों से दूर रखता आया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बन गए। नंबर गेम में महाविकास आघाड़ी से मात खा गए। एक दिन पहले तक 80 घंटे के सीएम देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में सुप्रिया सुले से गर्मजोशी से मिले और हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। अजीत पवार के आज विधानसभा में आने से पहले कल एनसीपी नेता उन्हें मनाने पहुंचे। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी नेता उनसे मिले और समझाए कि जो हुआ सो हुआ। शरद पवार आपके चाचा हैं, आप वापस आ जाएं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। एनसीपी और पवार परिवार का मिलन तो हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि घर वापसी करने वाले अजीत पवार को क्या मिलेगा।